नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम, स्वागत करता हूं आपका लर्न सेंटर टेक्नोलॉजी में। बहुत सारे टीचर आज के डेट में भी मोबाइल से ही अपने वीडियो लेक्चर को रिकॉर्ड करते हैं और यूट्यूब पे डालते हैं, बट उस केस में एक चैलेंज आता है कि आप ना बोया का माइक यूज कर रहे हो। कई बार ऐसा भी होता है कि आप पढ़ा रहे हैं बोर्ड पे ना, तो आपका माइक जो है लपेट 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 जाता है पूरा सा, या कई बार पैर वगैरह में फंस जाता है, मोबाइल वगैरह भी गिर जाता है आपका। तो इन चीजों के लिए परमानेंट सोल्यूशन मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो मैंने ऑर्डर किया ये एक ब्लूटूथ माइक है, बहुत ही सस्ता था, ये आपको लगभग 1700-1800 रुपए में मिल जाएगा। और मैं ना पहले इसको खुद यूज करके देखूंगा, उसके बाद मैं आपको रेकमेंड करूंगा ये चीजें सही है कि नहीं। तो चलिए ऑनलाइन में ही ये सारी चीज आपके सामने में इसका रिव्यू कर लेता हूं। सबसे पहले मैं हाथ में नेल कटर इसलिए रखा था ताकि इसको ओपन कर सके। चलिए ओपन हो गया, अब अंदर से चीजों को निकाल लेते हैं। ये है ग्रेनारो का माइक, ठीक है। ये यूनिवर्सल वर्जन है। यूनिवर्सल वर्जन मतलब कि ये आपका एप्पल के फोन में भी सपोर्ट करेगा, आपका एंड्रॉइड के फोन में भी सपोर्ट करेगा। और हाँ, ये आपका सी टाइप, बी टाइप, जो भी टाइप अगर आप यूज कर रहे हैं मोबाइल में, सारी चीजों में सपोर्ट करेगा। इसमें सारी चीजें दी हुई होंगी, तो मैंने इसको एक बार अच्छे तरीके से आप देख लीजिए। ग्रेनारो का माइक है, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, ठीक है। और ये ना सिंगल वाला माइक, आप ये देख पा रहे होंगे, सिंगल वाला माइक है, यानी कि सिंगल यूज वाला है। अगर आप डबल यूज वाला भी लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं, 2500-2600 का मिलेगा। मैं दोनों का लिंक ना आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और इसको मैं लाइव आपके सामने रिव्यू करके दिखाऊंगा, इसका आवाज कितना है, इसकी कैपेसिटी कितनी है, ये चलता कितना देर, ये सारी चीजें मैं आपको चेक करके बताता हूँ। ये मस्त स्लाइडर सा डब्बा है, स्लाइड कर लेते हैं इसको और देखते हैं क्या क्या है। एक है वारंटी कार्ड, ठीक है, ग्रेनारो के तरफ से वारंटी कार्ड है। और इसका जो पैकेट है ना, ये आपको कुछ बहुत ही प्रीमियम सा लुक में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको मिल जाएगा इसका चार्जर, ठीक है। और ये जो है ना, अगर आप ब्लूटूथ वगैरह यूज करते हैं एकदम बिल्कुल उसी तरीके का केस आपको देखने को मिल जाएगा। ये एकदम ब्लूटूथ केस है, यहाँ से ओपन, यहाँ से क्लोज, मस्त सा केस लग रहा है, एकदम प्रीमियम सा लुक आ रहा है इस चीजों का। और यहाँ पे चार्जर दिया हुआ है और ये साथ में कवर वगैरह दिया है ताकि ये चीजें आसानी से टूटे ना। इसका चार्जर चेक कर लेते हैं। इसमें देखिए, इसमें कनेक्टर है, ये सी टाइप वाला कनेक्टर है, सी टाइप से माइक बन जाएगा और माइक से आप कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरी जो चीजें इसमें है, ये चार्जर है इसका, ये आप आसानी के साथ में यूएसबी में लगा करके चार्ज कर सकते हैं, किसी भी चार्जर में वगैरह लगा के चार्ज कर सकते हैं। ये आपका कनेक्टर था, इसके साथ में जो कनेक्टर दिया सी टाइप वाले लोगों के लिए, ये कनेक्टर है, ठीक है। उसके बाद में ये एप्पल वाले लोगों के लिए, एप्पल वाले लोगों के लिए थोड़ा सा ये ध्यान से दिखा दीजिएगा, ये एप्पल में भी जा करके सी टाइप बन जाता है। ये एप्पल वाले लोगों के लिए इसमें माइक काफी आसानी से आप कनेक्ट कर सकते हैं, ये सी टाइप बन जाता है और सी टाइप आप आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। यानी कि टोटल ले दे करके इसमें दो कनेक्टर है, एक एंड्रॉइड फोन के लिए और एक एप्पल के लिए। अब चलिए इस केस को खोलते हैं। इस केस को खोलने पे ये देखिए हमारा, ये सी टाइप कनेक्टर है, ठीक है, ये सी टाइप कनेक्टर है। और ये है हमारा वायरलेस माइक, इसको आप चार्ज कर सकते हैं। ये पिन है, सी टाइप ही पिन लगता है, आप इसको आसानी से यहाँ पे पिन अप करके चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। और ये माइक जो है ये यहाँ से चिपकने वाला है, इसको आप चाहें तो आसानी से इस तरीके से चिपका करके यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए इसका क्वालिटी वगैरह चेक कर लेते हैं। तो ये दिया हुआ है, इसको उखाड़ लेते हैं पहले, ये पन्नी है, यहाँ पे पन्नी उखाड़ लेते हैं। इस केस को भी अगर आप चार्ज करते हैं तो ये माइक वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करता है और इसमें कोई भी बैटरी वगैरह नहीं लगती, तो इसको चार्ज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये चीज़ आपका वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करता है, जिस तरीके से आपको हेडफोन वगैरह आप यूज़ करते हैं, ईयरबड वगैरह यूज़ करते हैं, सेम सारे फंक्शनैलिटी वहीं होने वाले हैं आपको। इन सब चीज़ों को थोड़ा रखते हैं साइड, अब कनेक्ट करके देखते हैं अपने फ़ोन में। सो कनेक्ट करने के लिए हम इस चीज़ों को रख देते हैं, ये कनेक्टर का जरूरत नहीं क्योंकि मेरा ऑलरेडी सी टाइप है, इसको यहाँ पर रख दिए, ठीक है। तो अब ये सी टाइप का प्लग है, इसको हम लोग अपने फ़ोन में इस तरीके से इन कर लेते हैं। चलिए फोन में हमारा इन हो गया, ये देख पा रहे हैं यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है, इस बटन को अगर हम क्लिक करेंगे तो अब देखिए ये लाइट ना ब्लिंक करने लगा, और जैसे ही ये लाइट स्टेबल होगा यानी हमारा वायरलेस माइक कनेक्ट हो चुका है, यानी ये लाइट स्टेबल हुआ, हमारा वायरलेस माइक कनेक्ट हो चुका है। अब चलिए इसको चेक कर लेते हैं कि इसका ऑडियो वगैरह कैसा है। अब मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा ना, मैं यहाँ पे इसको पिन कर लिया माइक को, अब थोड़ा सा ना इसका ऑडियो क्वालिटी वगैरह चेक कर लेते हैं। अभी आप ये जो ऑडियो सुन रहे हैं ना, ये मेरे इस माइक से नहीं है, मेरे उस कैमरा वाले माइक से। देखिए ये मैं जो वही वीडियो बना रहा था आपको, ये JBL वाला माइक था, ठीक है, मैं इस माइक को दूर रख देता हूँ। अब ये जो आप ऑडियो सुन रहे हैं वो आप उस वाले माइक से सुन रहे हैं जो कि मैं ये वायरलेस वाला माइक कनेक्ट किया हूँ, और इसमें विंड कंट्रोल वगैरह सारी चीजें हैं, बहुत सारे यूट्यूबर ने इस पर वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, और मैं भी चेक किया तो मैं भी सेटिस्फाई हूँ कि हाँ ये कैप्चर कर रहा है। साथ ही साथ ना ये लोग 200 मीटर का दावा करते हैं,
बट 50 मीटर तक का दूरी तो कहीं नहीं जा रहा है, 50 मीटर दूरी से कैप्चर करेंगे। और हाँ, अगर आप एक टीचर हैं और इन झंझटों में बोया वगैरह का माइक में झंझट में नहीं पढ़ना चाहते हैं, सिंपली प्लग कीजिए, ऑन कीजिए और स्टार्ट हो जाइए, आपका ऑडियो काफी बेहतरीन हो जाएगा अगर आप ये माइक यूज करते हैं तो। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, और इसकी क्वालिटी वगैरह भी बहुत अच्छी है, मैं पर्सनली सेटिस्फाई हूँ। इस माइक को मैं 10 मिनट यूज किया, उसके बाद मैं आपके सामने ये वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं पर्सनली सेटिस्फाई हूँ इस माइक से। इतने कम प्राइस में इतना अच्छी क्वालिटी देना पॉसिबल नहीं है हर माइक, ये माइक बहुत बेखूबी कर पा रहा है। और साथ ही साथ ये वायरलेस है, तो वायर वगैरह का कोई झंझट नहीं, ना चूहा काटने का झंझट है ना किसी तरीके। साथ में ये केस दिया हुआ, इसको आप चार्ज करिए, और ये मुझे लगता है ना वीडियो अगर आप बनाना चाहेंगे 10-12 घंटे आसानी के साथ में इसका बैटरी बैकअप चल जाता है। मैं तो चेक नहीं किया, बट मैं बाकी यूट्यूबरों के वीडियो देख करके बता रहा हूँ कि 10-12 घंटे आसानी के साथ में इसका बैटरी चल जाता है। और अगर आप लेक्चर बना रहे हैं तो इससे बेहतर कुछ चीज़ें नहीं हो सकती, अगर आप ब्लूटूथ वाले माइक के चक्कर में हैं तो। चलिए, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो और अगर आप ये माइक लेना चाह रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर के बाय कर लीजिएगा। मैं ये माइक अमेजोन से लिया हूँ, और आपको भी मैं अमेजोन या फ्लिपकार्ट दोनों का लिंक दे दूंगा, जो भी आपके प्ले स्टोर सूटेबल हो वहां से आप ले सकते हैं। और अब जो आगे की वीडियो हम लोग बनाएंगे, जो भी मोबाइल ओपनिंग या बाकी चीज़ें, तो मैं स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से कर लेता हूँ, बट हाँ जो भी शॉर्ट्स वगैरह बनाएंगे वो हम इसी माइक का यूज करके बनाएंगे, आपको आगे और भी क्वालिटी का पता चलेगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।